आपको बताना चाहूंगी आपकी फ्लाइट डिटेल्स सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी हैं। आपकी डिटेल्स को आगे भेज दिया गया है फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। वेलकम बैक टू टेक्निकल दौराबात यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें वो अमेजन पे की वीडियो के वैसे वो किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं जिसका लाइव प्रोसेस है वो दिखाने वाले हैं। अगर आप वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को हमें शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को भाई। अमेजोन पे की वीडियो के वैसी करने के लिए सबसे पहले आपको है वो अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो चलिए हमें वो इसको ओपन कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। और इसके बाद है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के अंदर है वो आपको थ्री डॉट देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको है वो क्लिक कर देना है। और इसके बाद है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन पे का ऑप्शन है वो सबसे ऊपर है वो हमारे को देखने को मिलेगा, तो उस पर है वो आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद है वो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ से है वो आपको इसको है वो स्क्रॉल कर देना है ऊपर की तरफ। तो चलिए हमें वो इसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं आपको है वो यहाँ पे KYC का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर है वो आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको है वो KYC वेरिफिकेशन का ऑप्शन हमारे को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन हमारे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो आपको है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने वो डॉक्यूमेंट को है वो पहले से अपलोड कर दिया है, तो अभी हमें वो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको है वो सीधे ही इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन को है वो यहाँ पे आपको है वो एग्री कर देना है। और इसके बाद है वो इनिशिएट वीडियो KYC पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कैमरा माइक्रोफोन एंड लोकेशन एक्सेस फॉर वीडियो KYC का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको है वो इसको अलाउ कर देना है। तो चलिए हमें वो यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। बाद है वो आपको अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद वो आपको लोकेशन को है वो अलाउ कर देना है। और इसके बाद है वो ऑडियो रिकॉर्ड को भी अलाउ कर देना है। और इसके बाद है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई और आधार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको अपना आधार है वो डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हमें वो वेरीफाई विथ डिजी लॉकर पे क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद है वो आपको अपने आधार नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। तो चलिए हमें वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद है वो आपको यहाँ पे कैप्चा को है वो फिल कर देना है। तो चलिए हमें वो यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देते हैं। और इसके बाद है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो आधार के साथ है वो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको है वो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हमें वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और इसके बाद है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको है वो प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से है वो लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए हमें वो यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद है वो स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हेलो सर, अमेजोन वीडियो KYC में आपका स्वागत है। मेरा नाम जपनीत है। आज मैं आपको अमेजोन संबंधित KYC पूरी करने में आपकी सहायता करूंगी। क्या आप मुझे ठीक से देख और सुन पा रहे हैं? हाँ मैम। धन्यवाद सर। अभी आपकी स्क्रीन जो चार अंकों का सिक्योरिटी कोड जनरेट होगा, मुझे वो कोड बताइएगा। ध्यान रखिएगा पीछे से कोई कोड ना रीड करे, कोड को सिर्फ आपको ही बताना है। मैं कोड जनरेट कर रही हूँ, अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए। ठीक है मैम। धन्यवाद सर। आपके पिक्चर क्लिक करना चाहूंगी, सीधे कैमरे की तरफ देखिए प्लीज। हाँ मैम, वन मिनट। धन्यवाद सर। मैं आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करूंगी, जिस मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप कॉल पर रहिएगा। हाँ मैम। मैं आपको बताना चाहूंगी आपकी फ्लाइट डिटेल्स सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी हैं। आपकी डिटेल्स को आगे भेज दिया गया है फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। इसका परिणाम आपको अगले आधे घंटे के अंदर ईमेल या SMS द्वारा भेज दिया जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन रिसीव ना हो तो आप दोबारा से वीडियो KYC के लिए रीइनिशिएट कीजिएगा। अमेज़न पे पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू मैम। वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद है वो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मिनट के अंदर वो आपका स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो आपको है वो दोबारा से वीडियो KYC के लिए है वो अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से है वो आप अमेजोन पे की वीडियो KYC वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।